जॉलीग्रांट एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसे एक तरफ पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट के पास विस्थापित होकर आए टिहरी विस्थापितों को तीसरी बार विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है। 1975 के आसपास टिहरी बांध बनने के कारण दर्जनों परिवारों को टिहरी से विस्थापित कर जॉलीग्रांट बसाया गया था, जिसके बाद 2006-07 में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार किया गया था। उस समय भी टिहरी विस्थापितों की जमीनें ले ली गई थी, जिनमें से कुछ लोग जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के ही नजदीक बस गए थे। लेकिन अब एक बार फिर टिहरी विस्थापितों को हटाया जाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष नजर आ रहा है। हम लोग जो ये अभी दूसरी तीसरी बार में यहाँ से विस्थापन होने जा रहा है, अरे तो बड़ा गंभीर विषय है। और जो अगर सरकार टुकड़ों में विस्थापन कर रही है, तो ये तो बहुत चिंता का विषय है आने वाली पीढ़ी के लिए। और आने वाली पीढ़ी हमारी जगह जगह बिखर रही है, तो हमारी सरकार से एक ही मांग रहेगी कि अगर विस्थापन करना है तो हमारे पूरे गाँव को एक साथ किया जाए। और जो विस्थापन की नीतियां हैं, राष्ट्र हित के लिए हम तैयार है। राष्ट्रहित में अगर हमें दूसरी बार तीसरी बार विस्थापन होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो विस्थापन की नीतियां हैं, जैसे टीडी करना, हनुमंत राय कमेटी की शर्तें थी वो पूरी नहीं हुई, हमारे लड़कों को रोजगार नहीं मिला, हमें जो मुआवजा मिलना था औने पौने दाम पे इन्होंने उस समय विस्थापन किया, तो इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। अगर सरकार करेगी तो हम पूरे गाँव को लेकर साथ चलेंगे। अब पूरा गाँव को एक जगह आप स्थायी रूप से विस्थापित करे सरकार, तो ये ज्यादा उचित रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ गया विस्थापित, हमें बताओ हमें कितनी परेशानी हो रही है। हमको खेती बना बना के हम थक गए इस खेती को, है सुधार सुधार के। आज हमको सरकार बार बार उठा रही है, हमारे बच्चों को कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी दे रही है, हमारे बच्चों को कोई वो ही नहीं है, है हमको कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे। पहले सुनो, सरकार को भी तो देखना चाहिए कि इन लोगों को कितनी बार विस्थापित कर दिया है, बार बार ये विस्थापित होगा। गाँव भी हमारे इधर इधर से उधर, उधर से उधर हो रहे हैं गाँव सारा, है सारे भाई बहन इधर उधर हो रहे हैं, तब बिखर रहे हैं सारे लोग हमारे, है हमको कितनी परेशानी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हमको ढंग से जगह, सरकार को हम मना नहीं करें देने में जी, पर हमको ऐसी जगह, हम जमीन के बदले हमें जमीन चाहिए है, और हमारे बच्चों को नौकरी दे। ऐसे नहीं बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी मिल रही है, हमारे बच्चे जगह जगह भटक रहे हैं, है क्या फायदा हमारा इस जमीन को देगी। हम इसलिए जमीन देने को तैयार नहीं, सरकार को हम तभी जमीन देंगे जब हमको कुछ सुविधा मिलेगी कहीं, है हमको जमीन के बदले जमीन चाहिए, हमको जमीन पैसा नहीं चाहिए। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राज्य सरकार से लगभग 102 हेक्टेयर भूमि की मांग की है, जिसमें से 87 हेक्टेयर भूमि थानो वन रेंज से ली जाएगी और बाकी तकरीबन 15 हेक्टेयर भूमि प्राइवेट भूमि से ली जाएगी। तहसील प्रशासन द्वारा जिसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। प्रस्ताव पर शासन की मुहर लगते ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बहरहाल दो चीजें अलग है कि रनवे हमें बढ़ाना है, तो रनवे के लिए हम लोग जो अपनी जो जमीन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने राज्य सरकार को दे दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार जल्दी इस पर विचार करके हमें जमीन हैंड ओवर करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये रनवे की बात हो जाती है, लेकिन रनवे के अलावा जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे देहरादून एयरपोर्ट से सुरक्षित और संरक्षित यानी कि सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशन हमारे हों, तो उसके लिए हमें एक रनवे की जो स्ट्रिप होती है उसके लिए मिनिमम विड्थ की एक जरूरत होती है लैंड की। अभी हमारे पास में जब बड़े एयरक्राफ्ट की बात करें तो उनके ऑपरेशन के लिए उतनी जगह हमें उपलब्ध नहीं है, तो ये उसी के तहत हम लोगों ने ये जो प्राइवेट जमीन जो हमारे कुछ आ रही है ये एक तरह उसी का हिस्सा है, जहां जो कि 14-15 हेक्टेयर बता रहा हूं आपको मैं, वो बाकी जब एक्चुअल डिमार्केशन होगा तो उसमें निकल के आता कितनी आती है। ये हमें करना जरूरी है कि अगर ये जमीन हमें नहीं मिलती है तो हम लोग यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे रनवे बढ़ाने के बाद भी हम लोग बड़े एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो विस्तार का कार्य हमारा जो उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। इस प्रकार तीसरी बार विस्थापित हो रहे टिहरी विस्थापितों के विस्थापन की बात की जाए तो वह केवल इस बात से नाराज है कि टिहरी विस्थापन के दौरान सरकार द्वारा उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के वादे किए गए थे, लेकिन विस्थापन के बाद इन विस्थापितों को कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा गया। अगर बात राष्ट्रीय हित की है तो यह तीसरी बार विस्थापित होने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार सरकार को भी वह सभी शर्तें माननी पड़ेंगी जो कि पिछली बार विस्थापन के दौरान सरकार द्वारा इनसे की गई थी। डोईवाला से संवाददाता ओमकार सिंह की रिपोर्ट।